नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नरेंद्र मोदी की गोंदिया चुनावी जनसभा में यह कैसा सौतेलापन देखने को मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी यह अंधविश्वास की पार्टी है या फिर भेदभाव उसने जताने वाली पार्टी है? गोंदिया जिले के चुनावी जनसभा में नजारा कुछ ऐसा ही था। मंच तो एक था, लेकिन एक ही मंच पर दो वक्ताओं की जगह अलग अलग थी। कल की सभा में हेमंत पटले, त्यांच्या मनामध्ये काम करण्याची इच्छा शक्ती सुद्धा नव्हती। म्हणून बंधू, खरं आपला देश आर्थिक परिस्थिती, आपलं राज्य ज्या दृष्टिकोनातून आर्थिक परिस्थिती, राजकुमार बडोले, भारतीय जनता पक्षाचे भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय उमेदवार श्री मेढेजी, सर्व नेते मंडळी आणि उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो, विजय रहांगडले, संजय पुराम, कई वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिस डेस्क से सभा को संबोधित करने वाले थे, उसी डेस्क से सारे वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। माता की, भारत माता की, और इसके बाद में माननीय बोलो भारत माता की, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सेना रिपा युतीच्या प्रधानमंत्री केवळ 2 मिनिट में आपके दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बार जोड़ के ताली बजा के उनका हम स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजा के। आने वाला व्यक्ति हमारे सम्मुख हमें रूबरू होने के लिए आता है, और इसलिए मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पूर्व 6 महीने पहले जो चुनाव हमारे यहाँ हुए, जिसको हमने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इनको इस सभा में इस डेस्क से सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया। मंच के दूसरे और स्टैंड पर माइक लगाकर देवेंद्र फडणवीस को उसी मंच से अलग से खड़ा कर सभा को संबोधित करने को कहा गया। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने मुख्य डेस्क से मंच पर खड़े होकर सभा संबोधित को, उसी के विपरीत देवेंद्र फडणवीस को बिना डेस्क के सभा को माइक से संबोधित करने का मतदाताओं को देखने को मिला। माता की, क्या यह इस मंच पर उस नीच देखी जा रही थी या फिर मंच पर अंधविश्वास के काले बादल छाए थे? इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे सभी जनता को भोजन करें। मोदी है तो मंच पर उपस्थित हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान चौकीदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की, भारत माता की, भंडारा गोंदिया क्षेत्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझ्या
एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।